हाय फ्रेंड्स, दिस इज ऋचा गिरी। इस वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान है कि नहीं। तो हम उसके आर्टिकल्स देखेंगे और उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Instruction in mother tongue. In the Constitution of India, it has been laid down that the study of one's own language is a fundamental right of the citizen. इंडिया में बहुत सारे languages हैं, बहुत सारे languages के लोग हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, भारत के संविधान में ये लिखा है कि हर इंसान अपने लैंग्वेज को पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, और ये उसका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 358 देखते हैं क्या कहता है। इट शॉल बी इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। तो यहाँ जो भी चाइल्ड है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप का, उसे उसके प्राइमरी स्टेज में, एजुकेशन के प्राइमरी स्टेज में, उसे मदर टंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दी जानी चाहिए? स्टेट या कोई लोकल अथॉरिटी जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चा मदर टंग में कोई भी एजुकेशन लेगा प्राइमरी लेवल का, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ेगी, और दूसरा उसके लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो यही हमारा आर्टिकल 358 कह रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। और अगर कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगी।